आज हम बात करेंगे 15,000 के कुछ ऐसे फोन्स के बारे में जो फ्लैगशिप फोन्स को भी टक्कर दे सकते हैं। विश्वास नहीं होता तो चलिए लिस्ट पे चलते हैं डायरेक्टली। और लिस्ट हम फीचर्स चालू करेंगे, मतलब नंबर 5, 4, 3 ऐसे करके नंबर 1 पे चलेंगे। इससे आपको पता चलेगा क्या क्या इंप्रूवमेंट आते जा रहे हैं अगले इन फोन्स। तो जो फोन नंबर 5 बात किया है उसका नाम है रियलमी नार्जो 50। इसमें ट्रिपल कैमरा सिस्टम है और 50 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी कैमरा है और इमोशन सपोर्ट के लिए इसमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो डेप्थ भी दे दिया है। इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा अच्छी फोटोज तो लेता है, मगर इस प्राइस पॉइंट पे आपको और भी अच्छे फोन्स मिल जाते हैं जो इससे काफी अच्छी फोटोस आप खींच के देते हैं और काफी तगड़ा नेक टू नेक कंपटीशन लगा है। और बात कर ले प्रोसेसर की तो इसमें है हीलियो G96 और परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही दे देता है, आपको ज्यादा कुछ इशू नहीं आता। और इसकी बैटरी 5000 mAh की और इसमें 33 वॉट की चार्जिंग दी हुई। और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 120Hz की LCD पैनल है और इसका प्राइस 13,000 के आसपास आता है, जो काफी जस्टिफाइड है इसके फीचर्स को लेकर। और अगले कुछ फोन जो इसी प्राइस पॉइंट पे इसके टक्कर देते हैं, ओप्पो M4 Pro। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, इसका कैमरा सेटअप है 64 प्राइमरी प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं देता सिवाय इस फोन। मगर दुख की बात ये कि 4G फोन है, इसमें भी हीलियो G96 का प्रोसेसर है जो काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है, बैटरी वही 5000 mAh। और बात करें डिस्प्ले की तो इसका यही मेन पॉइंट है जो सारे फोन से अलग करता है। ये फोन आपको 90Hz का डिस्प्ले देती है जो इस प्राइस पॉइंट और किसी फोन में नहीं। और इसका प्राइस भी 13,000। अगला है रियलमी 9i, ये 15,000 में आता है और इसका कैमरा सेटअप 50 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2+2 मेगापिक्सल का इमोशनल सपोर्ट के लिए कैमरा दिया हुआ है और इसमें 8 5G बैंड देखने को मिल जाए। और रियलमी ने सिर्फ सिक्योरिटी पैच का प्रॉमिस किया और इसके आगे के अपडेट्स के बारे में कुछ पता नहीं। और इसका जो फोन का बैक है वो स्टीरियो प्रिज्म डिजाइन से इंस्पायर्ड होती है, काफी सुंदर। और अगर आपको एक 5G फोन चाहिए और जो फोन कैमरा सेंट्रिक हो तो ये काफी अच्छा फोन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आगे तो और बहुत मजे आने वाले, क्योंकि 500 रुपए से आपका गेम चेंज हो जाता है पूरा। मतलब एक फीचर ऊपर नीचे 500 रुपए ऊपर नीचे होते ही फोन चेंज हो जाते हैं, फीचर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब बहुत कुछ। तो जो नंबर 4 पे आता है वो वीवो लवर्स के लिए है। इस फोन का नाम है वीवो T144W। इसका कैमरा सेटअप 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मैक्रो प्लस 2 डेप्थ का दिया हुआ है। मेरा मानना है कि अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप मेरी कैमरे से अच्छी फोटो आ रही है तो आपको खुश हो जाना चाहिए और वो इस फोन से आ भी जाए। और इस फोन का प्रोसेसर है Snapdragon 680। परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी है, मगर इस प्राइस पॉइंट में आपको 4G फोन मिलता है और इसमें 60Hz का AMOLED डिस्प्ले भी। और इसकी बैटरी 5000 mAh की है और इसका चार्जर 44W का आता है। मगर इस रीजन से ये फोन भले थोड़ा मोटा हो जाता है, मगर ओवरऑल काफी अच्छी बैटरी एक्सपीरियंस देता है। इसका प्राइस है 14,500, रियलमी से थोड़ा महंगा है। सीधी बात यह है कि अगर आपको कैमरा सेंट्रिक और 4G फोन चलेगा तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा Samsung F23। ये फोन थोड़ा पुराना है, मगर ये जब लॉन्च हुआ था तो 25,000 का था और अब इसका प्राइस गिर के 16,000 हो चुका। और अगर आप सेल्स में कूपन ओपन लगाएंगे तो इसका प्राइस लगभग 15,000 के करीब आ जाएगा। तो मुझे लगा कि इस फोन को कवर करना तो बनता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और इसमें फोटोज भी डिसेंट आ जाती है। मगर इस फोन की जो सबसे खास बात है वो है इसकी परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 750G है जो काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है गेमिंग के मामले में। और इस प्राइस पॉइंट पर तो एक किलर प्रोसेसर और ये फोन 5G केपेबल भी है और इसकी बैटरी जो है वो 5000 mAh की है विद 25W। मगर इसमें एक दिक्कत है कि इसका जो डिस्प्ले है वो 120Hz TFT पैनल, मगर हम यहाँ सैमसंग की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है इसका TFT पैनल भी LCD के भाई। अब सैमसंग है, स्क्रीन तो बनती है। और बात करें ओवरऑल फोन की तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस टाइप मोबाइल मिल जाता है और ब्रांड का नाम भी अपना सैमसंग, तो काफी ट्रस्टेड है। ये भी आपकी काफी तगड़ी चॉइस हो सकती है। 2022 में जिस फोन ब्रांड ने अपने ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत की वो था मोटोरोला, तो इसलिए इसमें हम अगर बिना मोटोरोला के जाएंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो नंबर 2 पे आता है Moto G40 Fusion। ये 4G फोन है और ये 14,500 रुपए का। इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 120Hz LCD डिस्प्ले के साथ। और परफॉर्मेंस की बात करें तो Snapdragon 732G है, इसमें 6000 mAh की बैटरी, 20W की चार्ज और सिंपलिस्टिक सा स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है जो काफी इजी टू यूज है। तो ये ओवरऑल काफी अच्छा फोन और रोलर ने ऑब्वियसली 2022 किल किया, तो इसलिए इस मोबाइल इस लिस्ट में आना तो बंद। और ड्रम रोल के साथ स्वागत कीजिए फोन नंबर 1 का, जिसका नाम है IQ Z6 Lite। फोन आपको मिल जाता है 14,000 रुपए में। इसका प्रोसेसर हमारी लिस्ट में से सारे फोन से अलग है। इसमें Snapdragon 4 Gen 1 5G प्रोसेसर जो एक्चुअली काफी फास्ट और ये एक डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है, 3 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। चार्जिंग की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको विद 120Hz LCD स्क्रीन। और इसमें एक फन एलिमेंट ये है कि इसमें आपको एक फ्लैगशिप का फीचर मिलता है,
इसमें चार्जर साथ में मिलता है, तो आपको 1000 चार्जर का जोड़ लीजिए तो ये करीबन 15000 का, तो ये फोन ओवरऑल 15000 का बनता है। मगर इसकी परफॉर्मेंस और कैमरा वाइज सभी और काफी अच्छी चॉइस होगी अगर आप इसे चुने अपने डेली यूज के लिए। तो ये थे मेरे कुछ फोन के रिकमेंडेशन। अगर आपको इनमें से कोई फोन अच्छा लगता है तो गो एंड चेक आउट। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना।